नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पर बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम होगा द फ्यूचर 2050। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। द फ्यूचर 2050 में हम फ्यूचर में होने वाली साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम फ्यूचर इवेंट्स की बात कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए हमें एक टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये एक इमेजिनरी टाइम मशीन होगी जिसके इस्तेमाल से आप मेरे साथ चलोगे भविष्य के सफर पर। तो चलिए जानते हैं। तो आज हम आते हैं हमारे पहले स्पेस मिशन जो अभी फ्यूचर में होने वाला है। जुलाई 2020 मिशन मार्स रोवर मिशन नासा का है और ये एक मार्स मिशन है जिसमें वो एक रोवर को मंगल ग्रह पर भेजेगा मंगल ग्रह की डिटेल स्टडी करने के लिए। हालांकि इससे पहले भी नासा अपने रोवर्स को मंगल ग्रह पर भेज चुका है, लेकिन पहली बार इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने से पहले वो इसी मिशन से मार्स पर ज्यादा से ज्यादा डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि हम वहां होने वाली सभी पॉसिबल रिस्क और एटमॉस्फेयर कंडीशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। 21 दिसंबर 2020 गगनयान। जैसा कि आप जानते ही हो कि हमारे देश भी बाकियों की तरह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है और इस सुपर पावर को अचीव करना चाहता है, और इस सुपर पावर को अचीव करने के लिए इंडिया को स्पेस में सेल्फ डिफेंस ही चाहिए, जिसके लिए इंडिया एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहता है और ऐसा करने के लिए हमें एक स्पेस शटल की आवश्यकता होगी। गगनयान वही स्पेस शटल है। सबसे पहले इसे स्पेस में बिना इंसानों के भेजा जाएगा और सिर्फ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसरो ये पता लगा सके कि ये स्पेस शटल इंसानों को वापस सही सलामत ला पाएगा या नहीं। अब हम टाइम में एक साल और आगे आ चुके हैं। हम है साल 2021 में और आज तारीख है 31 मार्च। आज ही के दिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा जाएगा। ये टेलीस्कोप स्पेस में भेजा गया आज तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा और वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप के इस्तेमाल से यूनिवर्स की बाउंड्रीज को और बड़ा करके देखना चाहते हैं। दिसंबर 2021 गगनयान। भारत गगनयान का टेस्ट दोबारा कर रहा है, लेकिन इस बार भी इंसानों को इसमें नहीं भेजा जाएगा। ये मिशन भी सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग मिशन होगा। ये है साल 2022। इस साल स्पेस के कुछ खास मिशन लॉन्च होंगे, जैसे कि जूस। ये मिशन जून में लॉन्च होगा जो जुपिटर के मून की स्टडी करने के लिए एक लंबी दूरी तय करेगा। इल्यूड। ये मिशन भी जून में ही लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली ये टेलीस्कोप होगा जिसका मिशन डार्क मैटर को ढूंढना होगा या उससे रिलेटेड क्यों भी जानकारी धरती तक पहुंचना होगा। साइक एक एस्टेरॉयड मिशन होने वाला है जिसे अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। ये असल में हमारे सोलर सिस्टम की एक एस्टेरॉयड को स्टडी करेगा जो हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा कि प्लेनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं और उनके कोर में क्या होता है और हम हमारी पृथ्वी के कोर में क्या क्या पा सकते हैं। मॉम 2 यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन 2। वो दिन तो आपको याद ही होगा जिस दिन इंडिया के वैज्ञानिकों ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स मिशन को कंप्लीट कर चुके थे और इसी के बाद पूरी दुनिया में भारत ने स्पेस इंडस्ट्री में अपना लोहा बनवाया था। उस दिन से पहले दुनिया का कोई भी देश पहली बार मार्स मिशन पर सक्सेसफुल नहीं हुआ था और इसी कामयाबी को देखते हुए इसरो मॉम 2 यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन 2 लॉन्च करेगी जो कि मार्स की और भी डिटेल स्टडी करेगा। लेकिन इस मिशन की पॉसिबल डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इसरो का प्लान इसी साल यानी कि 2022 में लॉन्च करने का इरादा है। गगनयान इस साल वो मार्स मिशन होगा जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा। इसी साल स्पेस में हम अपना झंडा गाड़ के आएंगे और स्पेस फील्ड में एक बार फिर से पूरी दुनिया भारत की ताकत को देख पाएगी। चलिए अब हम अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं। 2023 में आप सभी का स्वागत है। इस साल भारत मार्स की तरह वीनस को स्टडी करने के लिए अपना मिशन शुक्रयान 1 को लॉन्च करेगा और मुझे लगता है कि भारत इसे भी पहले ही अटेम्प्ट में कर लेगा। इस मिशन की मदद से वीनस के एटमॉस्फेयर के बारे में और भी ज्यादा स्टडी कर पाएंगे और वीनस के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे कि इसे हमारे सोलर सिस्टम का नरक क्यों कहा जाता है। वेलकम टू 2024। ये साल अमेरिका और स्पेस इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साल साबित होने वाला है। इस साल एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स पहली बार इंसानों को मार्स पर भेजने का मिशन शुरू करेगी। स्पेस के इस मिशन में सबसे पहले इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज को मार्स पर भेजना होगा, उसके बाद इंसानों को भेजने की बारी आएगी। लेकिन इस साल केवल इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज को ही वहीं पर भेजा जाएगा। Amazon ब्लू मून। इस साल एक और प्राइवेट कंपनी अपने स्पेस मिशन को अंजाम देगी। इस कंपनी का नाम होगा ब्लू मून।
जिसको दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो शायद आज यानी कि 2024 में भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान होगी जेफ बेजोस लॉन्च करेगी। एक लैंडर होगा जो कि चांद की जमीन पर भेजा जाएगा जो उसकी मिट्टी से पानी को निकालने का काम करेगा और बाद में उसे स्पेस पे एक बेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2026 इस साल स्पेस एक्स इंसानों को मार्स पर भेजने के लिए तैयार हो चुका है और ये मिशन ह्यूमैनिटी का सबसे लंबा और ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मिशन होने वाला है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को करीबन एक साल तक स्पेस में रहना होगा और उस टाइम को वो ट्रेवल कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कहा कि 2027 तक इंसान मार्स तक पहुंच चुके होंगे और स्पेस एक्स तो दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी होगी जिसने स्पेस में इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर पहुंचाया है और ये अपने आप में भी बहुत बड़ी सफलता होगी। नासा अगले साल अपने एक और मिशन को लॉन्च करेगी जिसमें स्पेस एक्स के बाद वो भी इंसानों को मंगल पर भेजेगा और इस मिशन का नाम होगा अरोरा मिशन। इसी साल चाइना अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजेगा और उसके अगले ही साल रसिया भी इसी फील्ड में अपनी पहुंच को आगे बढ़ाएगा। और इसी के साथ अब हम अपने सफर में 10 साल आगे आ चुके हैं। अगर अभी तक सब कुछ ठीक रहा तो अब तक इंसान ने स्पेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया होगा। इन 10 सालों में हमारा सबसे बड़ा मिशन इंसानों को स्पेस में ले जाके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को पाना होगा। अब है साल 2035। इस साल जापान की एक कंपनी ओबायाशी अपना स्पेस एलिवेटर बना चुकी होगी। हालांकि अभी के लिए स्पेस एलिवेटर की सबसे बड़ी दिक्कत इसको बनाने वाले मटेरियल की है। जैसे कि हमें इसका सुटेबल मटेरियल मिल जाता है, इंसान जल्द ही एक ऐसा एलिवेटर बना पाएगा जो हमारी स्पेस ट्रेवलिंग को एक नई ऊंचाई देगा। साल 2036 तो इस साल ब्रेक थ्रू स्टारशूट नाम का एक स्पेस मिशन लॉन्च होगा जो कि हमारे सबसे क्लोज सोलर सिस्टम में भेजा जाएगा और ये बहुत ही छोटा सा प्लेन जैसा दिखने वाला एक स्पेसशिप होगा जिसे हम माइक्रोवेव लेजर्स के थ्रू शूट किया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम माइक्रोवेव लेजर्स के इस्तेमाल से इसे शूट करें तो ये प्लेन करीब 10% स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लेगा। ये है साल 2045। अभी तक चाइना ने ये दावा कर लिया होगा कि वो अपना स्पेस एलिवेटर बना चुका है और 2050 तक नासा अपने मार्स मिशन में एक पूरी सिटी मार्स में बसा चुका होगा। हालांकि प्रेडिक्शन तो बहुत सारी है, इनमें से कई प्रेडिक्शन ऐसी भी है जो शायद गलत भी साबित हो सकती है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर मिशन सक्सेसफुल हो जाए। आप में से कुछ 2050 तक स्पेस ट्रेवल कर पाए और ये भी हो सकता है कि एपेक्स और एमेजोन जो कि स्पेस मिशन में अमेरिका के प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वैसे ही कुछ 2050 आप में से ही कोई भारत के लिए कर सकता है। तो इसके लिए आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इसरो ने अपने कमर्शियल आर्म को खोल दिया है क्योंकि इसरो का मानना है कि अगर आप इंडियन प्राइवेट कंपनी अगर स्पेस एक्स जैसी शुरुआत करती भी है तो उसे पूरे 10 साल सिर्फ लग जाएंगे। इसलिए इसरो ने अपनी कमर्शियल आर्म को खोलकर बाकी सभी दूसरी प्राइवेट कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। स्पेस मिशन अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और इसलिए इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में बताए गए मिशन के अलावा भी और भी बहुत सारे मिशन है जो 2050 तक जरूर होंगे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, अगर इसरो इसी तरह काम करता रहा तो भारत 2050 तक स्पेस सुपर पावर तो बन ही जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।